हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो भी एक्सेल पे ही है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि केजी कैसे लिखते हैं किसी भी सेल में, ठीक है। आज तक हम लोग सीखे होंगे मैनुअली लिखने के लिए। सपोज 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, ऐसे करके हम लोग सीखे होंगे। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारा टाइम किल करता है। लिखने में तो टाइम होता है, केजी लिखने में कुछ तो थोड़ा सा तो कुछ भी सेकंड तो टाइम लगता है, राइट। तो उसको सेव करने के लिए हम ऑटोमेटिकली वाला काम करेंगे। तो कहीं भी आप सामान लिए, कुछ भी एप्पल लिए, वहाँ पे आपको कंप्यूटराइज बिल जो देता है उसमें एप्पल, सपोज आप 5 केजी लिए तो केजी लिखा हुआ रहता है, ओके। तो वो कैसे लिखा हुआ रहता है, तो वो इसी तरह से वो सेटिंग कुछ करके रखा रहता है और ऑटोमेटिकली जो है वो सिंपली 5, 2, 3 ऐसे करके वो लिखते जाता है और केजी बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ ऐड होते जाता है। तो हम लोग जानेंगे होंगे अभी तक 5 केजी ऐसे करके लिखे होंगे, तो ऐसे करके अभी तक सीखे होंगे मैनुअली, ठीक है। मैनुअली हम लिख रहे हैं तो इसको ना करके हम ऑटोमेटिकली वाला चीज़ हम सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम वही सिखाएंगे आपको कैसे करना है, ओके। तो चलिए थोड़ा कुछ हम प्रोडक्ट ले लेते हैं आपको एग्जांपल के तौर पे, ओके। तो चलिए प्रोडक्ट और उसका हम कुछ प्राइस लेंगे, देन कितना हम क्वांटिटी, ठीक है, उसका हम क्वांटिटी, ओके, कितना हम लेंगे, 1 किलो 2 किलो ऐसे करके, ओके। तो ऐसा करके हम हेडिंग में ले लिए हैं। इसको थोड़ा हम सजा लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो चलिए सजा लेते हैं। तो सजा लिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ प्रोडक्ट लेना। राइस ले लिए एग्जांपल के तौर पे, आपको राइस ले लिए, उसके बाद व्हीट ले लिए। नेक्स्ट हम लेंगे कुछ भी, जस्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए डोंट वरी। और एप्पल ले लिए, ऑरेंज ले रहे हैं, ओके। बनाना ले रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, चलिए एक और ले लेते हैं, मिल्क, ठीक है। अब उसका हम प्राइस सेट करेंगे। राइस कुछ भी 65 रुपीज़ केजी, वेट 55, हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 42, एप्पल ले रहे हैं 95, ऑरेंज ले रहे हैं 51 रुपीज़ केजी, बनाना ले रहे हैं 30 रुपये केजी और मिल्क ले रहे हैं हम 25 रुपये केजी। तो ये हम ले लिए। अब इसमें अभी तक आप कैसे लिखते होंगे, राइस सपोज आप किसी दुकान से 5 किलो राइस लिए, तो आप कैसे अभी आप इसमें एक्सेल में सीखेंगे लिखने के लिए, 5 केजी, 6 केजी ऐसे, ओके, 8 केजी ऐसे अभी आप मैनुअली लिखने के लिए सीखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं केजी लिखने में हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो इसको ना करके हम ऑटोमेटिक वाला चीज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉलम को, कंप्लीट कॉलम को, ओके, सेलेक्ट कर लिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एक, ठीक है, एक साथ आप प्रेस करें, Ctrl+1 एक साथ प्रेस करें तो आपको फॉर्मेट सेल्स का विंडो ओपन होगा, ओके। नेक्स्ट हमारा लास्ट में है कस्टम का ऑप्शन दिखेगा आपको, कस्टम। कस्टम के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है जनरल पे ले जाएगा, तो इसको जनरल को आप चुपचाप पूरा को रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छे से देखिए, ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके। सबसे पहला काम, 0 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, देन ओपन डबल कोट ओपन कीजिए, उसके बाद केजी लेना है हमको, केजी ऐड करना है तो केजी, देन डबल कोट ओपन, सॉरी क्लोज कर दीजिए। तो ये काम करके ओके प्रेस कर लेना। यहाँ पे हम थोड़ा समझाना चाहेंगे,
ये केजी अभी ले रहे हैं हम, केजी की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज वन पीस आप मैंगो लिए, वन पीस एप्पल लिए, तो आप केजी के जगह पे पीस ले सकते हैं और वहाँ पे आपको सेल में दिखेगा पीस, वन पीस मैंगो, वन पीस एप्पल, ऐसे करके दिखेगा। तो यहाँ पे हम केजी ले रहे हैं, इसलिए केजी को आपको हम एज ए एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो क्या है, जीरो देन डबल कोट ओपन, केजी डबल कोट क्लोज, और ओके चुपचाप कर दीजिए। अब देखिए मैजिक, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपल राइस हम कितना लिए, 2 किलो, हमको यहाँ पे केजी लिखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हुआ। सिंपली यू प्रेस टू, ठीक है, इंटर मारते जाइए, केजी ऑटोमेटिकली जो है ऐड होते जाएगा। हम वेट कितना लिए, 5 केजी, सिर्फ 5 दबाइए, केजी ऑटोमेटिकली ऐड होगा। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट में अब आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो है केजी आपका ऐड होके दिखेगा। तो शुगर 2 केजी, एप्पल 4 केजी, ऑरेंज 1 केजी, बनाना 2 केजी, मिल्क 25 केजी, ऐसे करके आपको दिखेगा। सॉरी। तो देखिए ये मैजिक था ना, तो हमें सिर्फ 2 लिखिए 5 लिखिए, ऐसा करके आप लिखिए और ऑटोमेटिकली जो है केजी ऐड हो करके आपके सेल में दिखेगा, है ना ये ट्रिक। तो इस ट्रिक को आप भी अपनाइए और आप भी आसान तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम किल नहीं होगा, सिंपली जो हम बताए हैं उसे अच्छे रूप से फॉलो कीजिए और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको इन फ्यूचर कहीं ऐसा रिक्वायरमेंट मिला तो आप इस वीडियो के सहायता से आप अपना काम ईजी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, फिर से हम नया वीडियो के साथ आएंगे और जो हम आपको YouTube पे शेयर करेंगे ताकि आप फ़ायदा उठा सकें उसका। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट मेरे साइड से, और डू प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस ताकि आप लोग भी अच्छे रूप से इसको कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और लास्ट में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।